चूँकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है और शुरुआत में हमारी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो कई बार होता क्या है कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए हम सेम वर्ड्स को बार बार यूज करते हैं। जैसे कि किसी से पहली बार मिले, इट्स अमेजिंग टू सी यू। किसी के ड्रेस अच्छे लगे, वाओ यू लुक अमेजिंग इन रेड फ्रॉक। इंडिया मैच जीत गया, इट्स अमेजिंग इंडिया वोन द मैच। ऐसे करके आप देख सकते हैं तीनों सेंटेंसेस में मैंने सेम वर्ड इमेजिन को बार बार यूज किया। हालांकि ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, फिर भी मैंने क्या किया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने बार बार इमेजिन को ही यूज किया है। सेम वर्ड को बार बार यूज़ करना सामने वाले को रिपीटेटिव और बोरिंग लगता है, तो चलिए आज इस रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं और सामने वाले को न्यू वर्ड से इम्प्रेस करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिंह एंड एज ऑलवेज यू आर वॉचिंग योर फेवरेट इंग्लिश चैनल एंड एक्सेल इंग्लिश एडुकेटर वेयर यू लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ढेर सारे न्यू वर्ड्स बताऊंगा और सेंटेंसेस में उनका यूज भी मैं बताऊंगा जो हमारे डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि इमेजिन के रेपुटेशन को कैसे हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस इमेजिन को यूज ही मत करो, इसको यूज करो, बट इसके जगह पे इसको बार बार जो यूज करते हो उसके रेपुटेशन को मैं कह रहा हूँ कम करो। चलिए इसको सीखते हैं। इसमें कहाँ कहाँ पे मतलब इसमें आप देख सकते हैं जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इन सब में मैंने इमेजिंग इन सब में मैंने इमेजिंग वर्ड का यूज किया है, जो बार बार अगर यूज करो तो आप सोच सकते हो सामने वाले को रिपीटेटिव और बोरिंग लगने लगेगा। चलिए इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे न्यू वर्ड से। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि ये जितने भी न्यू वर्ड्स आप यहाँ सीखोगे उसको आप कम से कम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करो, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना प्रैक्टिस की चीज़ है। आप कितना भी न्यू वर्ड याद कर लो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, है ना, इन योर डेली कन्वर्सेशन। सो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, इट्स अमेजिंग टू सी यू। मान लो आप किसी से पहली बार मिले तो आप क्या कहते हो, वाह तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप जो है क्या यूज करते हो, इट्स अमेजिंग टू सी यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस इमेजिन के बदले में हम लोग जो है कोई दूसरा देखते हैं क्या होगा। आप वहाँ पे कह सकते हो वंडरफुल। क्या कहोगे, वंडरफुल, मतलब आप इमेजिन की जगह पे यूज करोगे वंडरफुल, मीन्स इट्स वंडरफुल टू सी यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्टडीज मैच वॉज अमेजिंग। आपका आपके दोस्तों का कोई मैच था, कल था, और आप उसको देखने गए थे। होता यह है कि आपके जो दोस्तों का जो टीम है वो जीतने वाला नहीं था, लेकिन लास्ट में जो है कुछ ऐसा हुआ ना कि जो अपोनेंट थे उनका जो है विकेट जल्द से जल्द क्या हो गया, गिरने लगा, और आपके दोस्तों का टीम क्या हो गया, जीत गया। तो आप वहीं पे क्या कहते हो, स्टडीज मैच वॉज अमेजिंग, है ना। तो यहाँ पे अमेजिंग को क्या कर दो, आप रिप्लेस करो किसी दूसरे वर्ड से, और यहां पे आप यूज करोगे मिराकुलस। क्या यूज करोगे, आप यहां पे यूज करोगे मिराकुलस। स्टडीज मैच वॉज मिराकुलस। मिराकुलस मीन्स क्या होता है, कुछ जादू सा हो जाना, चमत्कार सा हो जाना, कुछ ऐसा हुआ ना कि लास्ट में जो है आपके दोस्तों का टीम जो है कुछ जादू सा हो गया और आपके दोस्तों का टीम जीत गया। देखते हैं हम लोग नंबर थ्री, योर स्पीच वॉज अमेजिंग। आपके कोई क्लासमेट हैं और उन्होंने कोई स्पीच दिया,
और वो आपके क्लासमेट आपसे पूछ रहे हैं कि अरे भाई, अरे दोस्त, ये बताओ कि कल जो मैंने स्पीच दिया वो कैसा था। तो यहाँ पे आप इमेजिन के बदले में कोई दूसरा वर्ड यूज करो और अपने दोस्तों को, अपने दोस्त को, अपने क्लासमेट को बताओ। तो यहाँ पे आप क्या यूज करो? रिमार्केबल। क्या यूज करोगे? रिमार्केबल मतलब योर स्पीच वॉज रिमार्केबल, मतलब तुम्हारा जो स्पीच था कल का वो कहने लायक था। क्या था वो? कहने लायक था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स अमेजिंग हाउ मच वेट यू हैव लॉस्ट। इट्स अमेजिंग हाउ मच वेट यू हैव लॉस्ट, मतलब आपका कोई दोस्त है जो क्या है, बहुत ही पहले भारी था, काफ़ी भारी था, है ना, उससे चलने में भी उसको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि वो एकदम जो है ना, उसका बॉडी सॉलिड हो गया। और जब बॉडी सॉलिड हो गया तो उसको आप देख के क्या हो गया, आप जो है ना, आप ये भौचक्का रह गए आप उसको देख के। तो यहाँ पे जो है, आप इसको आप हटाओ और यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज करके इस सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं। इट्स अमेजिंग हाउ मच वेट यू लॉस्ट। तो यहाँ पे आप क्या करो, अमेजिंग के बदले में आप यूज करो इनक्रेडिबल। क्या यूज करोगे? इनक्रेडिबल मतलब इट्स इनक्रेडिबल, मतलब कि देखने में जो है ना एकदम असाधारण सा लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपने आप पे कि तुमने जो वेट है अपना, कितना सारा वेट अपना लॉस कर दिया। मतलब अब तुम जो है अच्छे दिख रहे हो, पहले जो एलिफेंट की तरह थे अब वैसे नहीं दिख रहे हो। इट्स इनक्रेडिबल हाउ मच वेट यू लॉस्ट। हमारा लास्ट सेंटेंस है, यू लुक अमेजिंग इन रेड फ्रॉक। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना, जो रेड फ्रॉक पहनती है तो आपको बहुत अच्छी लगती है, कसम से आप उसके लट्टू हो जाते हो। तो आप उसको जो है क्या कहते हो, बार बार अमेजिंग अमेजिंग कह के हमेशा, ये कॉमन वर्ड है ना, इसको जब भी देखते हो रेड फ्रॉक में तो आप जैसे अमेजिंग का यूज करते हो। और ये वर्ड यूज करना ना काफ़ी क्या हो गया है, ये वेल नोन हो गया और काफ़ी, मतलब ये ना उबाऊ सा हो गया है हर बार अमेजिंग यूज करना। तो हम क्या करते हैं, चलो इस बार आप अपने गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे वर्ड से इम्प्रेस करो, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अमेजिंग के जगह पे हम यहाँ पे दूसरा यूज करेंगे और वो हमारा वर्ड होगा स्टाउंडिंग। स्टाउंडिंग आप जो है क्या यूज करो, यू लुक स्टाउंडिंग इन रेड फ्रॉक, मतलब तुम इतनी अच्छी दिख रही हो ना कि कोई भी तुम्हें देखते रह जाएगा। सो यू लुक स्टाउंडिंग इन रेड फ्रॉक। हमारा नेक्स्ट है वेंट। वेंट को, इसको हम अवॉइड करते हैं, इसके रिपीटेशन को कम करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कोई गार्डन, कोई बगीचा गया, वेंट, कोई मार्केट गया, वेंट, कोई ऑफिस गया, फिर वेंट, और लंदन जाएगा तब भी वेंट, और यहाँ पे है कि कोई चोर किसी चीज़ को लेके भाग गया तब भी वेंट। मतलब हर बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेंट का ही यूज किए। हालांकि ये सेंटेंस सबके सब सही हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें एरर है, लेकिन आप सारे के सारे एक्टिविटीज़ के लिए आप क्या यूज किए हो, सेम वर्ड वेंट को यूज किए हो। ये आप खुद से देख सकते हो, सी वेंट टू गार्डन, जॉनी वेंट टू मार्केट, रिया वेंट टू द ऑफिस, माही वेंट टू लंदन, द थ्री वेंट अवे क्विकली। वेंट 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 करके आप यूज करो, वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे हम जो है, चलो इसके रिपीटेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, अवॉइड करते हैं। सबसे पहला है सी वेंट टू गार्डन, आखिर वो बगीचा गई होगी, कैसे गई होगी, पैदल गई होगी, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे चल के गई होगी ना, तो यहाँ पे आप यूज कर दोगे वॉक्ड। क्या यूज कर दोगे, वॉक्ड। वेंट के बदले में आप यहाँ पे क्या यूज करो, वॉक्ड यूज करो, सी वॉक टू गार्डन। अब यहाँ पे वेंट जहाँ जितना भी यूज हुआ है सब के सब ये क्या है, ये वर्ब ट्रू है, तो जितने भी आप वर्ड, आपको जो मैं वर्ड बताऊंगा वो सब के सब किस में होंगे, वर्ब ट्रू में ही होंगे, ये आपको याद रखना है।
जॉनी वेंट टू मार्केट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जॉनी वेंट टू मार्केट। तो जॉनी मार्केट गया होगा तो वो कैसे गया होगा, साइकिल से गया होगा। तो साइकिल से गया होगा तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, जॉनी रोड, रोड टू मार्केट। जॉनी साइकिल से क्या गया, बाजार गया, एज जॉनी रोड। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, वेंट के बदले में रोड का यूज करोगे। नंबर थ्री है हम लोगों का, रिया वेंट टू द ऑफिस। रिया के पास अपनी गाड़ी है, अपनी कार है, और वो कार से ऑफिस जाती है। आपके पास भी होगी अपनी कार, तो आप कार से ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, रिया वेंट टू द ऑफिस। यहाँ पे वेंट के बदले में है ना, आप यूज करो ड्राइव का वर्ब टू क्या होता है, ड्रॉव। तो क्या हो यहाँ पे, रिया ड्रॉव टू द ऑफिस, ये आपको यूज करना है। माही नंबर फोर है, माही वेंट टू लंदन। माही कहाँ गया, लंदन गया। तो इंडिया से लंदन गया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो कार से गया होगा, बस से गया होगा, या साइकिल से या पैदल, वो फ्लाइट के द्वारा। कैसे गया होगा, फ्लाइट के द्वारा। और जो फ्लाइट है वो क्या होती है, उड़ती है, तो फ्लाई यहाँ पे होगा। और फ्लाई का वर्ब टू क्या होता है, फ्लू। तो यहाँ पे माही वेंट के, यहाँ पे वेंट के जगह पे आप क्या यूज करोगे, फ्लू। क्या यूज करोगे, फ्लू। माही फ्लू टू लंदन, माही फ्लू टू लंदन। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर फोर, नंबर फाइव है। नंबर फाइव क्या है, द थीप वेंट अवे क्विकली। चोर क्या किया, चोरी किया, पकड़ा गया और वो तुरंत वहाँ से क्या कर, भाग गया, है ना। जब चोरी किया उसके बाद वो जो है तुरंत भाग गया। ऐसा तो नहीं है आपसे बोला कि थोड़ा चाय पानी वगैरह भी करा दो फिर जाएंगे। वो चोरी जो है ना, चोर जो है क्या किया, अपने घर के बाद तुरंत वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पे आप जो है वेंट के जगह पे आप यूज करोगे रैन। क्या यूज करोगे, रैन। सो यहां पे क्या होगा, द थीप रैन अवे क्विकली। सो ये थे हमारे आज के 10 न्यू वर्ड्स विच यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर डेली कन्वर्सेशन। अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो ही आपका जो है क्या होगा, ये वर्ड जो है इससे करके आपका वर्ड जो है डे बाय डे स्ट्रांग हो जाएगा। इस वीडियो का ये जो है ना, ये न्यू वर्ड्स का पार्ट वन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पार्ट टू लिखो। इसके ढेर सारे पार्ट्स बनेंगे, इस न्यू वर्ड्स पे आपको ढेर सारे पार्ट्स मिलेंगे देखने को। और इसको, हाँ इसको डेली बाय डेली प्रैक्टिस में इसको लाओ। फॉर टुडे दैट्स ऑल, यू हैव अ गुड डे।